मंच पर उपस्थित परम आदरणीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय मंडल गवर्नर मैडम, मंच पर तथा सभागार में उपस्थित लखनऊ विश्वविद्यालय के मेरे सहयोगी एवं मेरे वेरी वेरी डियर स्टूडेंट्स, इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था और इसलिए भी था क्योंकि मैं एक मोमेंट के लिए आप सबको ले जाना चाहता हूँ जनवरी 2020 में। ज्वाइन करने के बाद मैं मैडम से मिला और मैडम ने एक बार मुझे कहा कि आप जो स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट पढ़ती हैं उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए। तो हम लोगों ने एक आयोजन किया गर्ल्स हॉस्टल में और फिर उसकी जब एनालिसिस की तो ये पाया कि हमारे यहाँ की लड़कियों का ब्लड रिलेटिवली ज़्यादा थिक है। जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पाया गया कि क्योंकि यूरिनेशन हमारे टॉयलेट्स की कंडीशन अच्छी नहीं है लिहाजा वो यूरिनेट कम करती है और ये उसका साइड इफेक्ट है। मैं मैडम के यहाँ गया और यहाँ की आर्थिक स्थिति थोड़ी चैलेंजिंग थी तो किसी बार मैं मैडम के यहाँ गया, मैंने उनसे कहा कि ये स्थिति है टॉयलेट्स की और हर महीने की सैलरी मिल जाए ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है, बिजली का बिल जमा हो जाए ये बड़ा चैलेंज है, इसलिए यूनिवर्सिटी शायद टॉयलेट बनाने से भी वो करती है। पहली बार राजभवन के इतिहास में किसी विश्वविद्यालय को गवर्नर हाउस से 10 लाख रुपए के लिए टॉयलेट बनाए, लेकिन उसको हम लोगों ने फिर एक चैलेंज की तरह लिया कि अल्टीमेटली स्टूडेंट फर्स्ट है विश्वविद्यालय में। जब कभी संस्था बनी होगी तो इसलिए बनी होगी कि बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे, इसलिए तो नहीं होगा कि आलोक रहेंगे वाइस चांसलर हो जाएंगे और आप लोग आएंगे प्रोफेसर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट के इन छोटी छोटी चीज़ों को जो दरअसल बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसको भी कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारी गंगा में बहुत पानी बहा और आज जो एक विश्वविद्यालय का चेहरा होता है उसका मुख्य द्वार वो उसका महामहिम ने लोकार्पण किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से उस विश्वविद्यालय के चेहरे का लोकार्पण किया। मैडम ने अभी मुझसे पूछा कि ये आर्च क्यों है माँ पर, तो मैंने कहा जैसे माँ बाहें फैलाए बच्चों को अपने गोद में लेती है उसी तरह से विश्वविद्यालय बाहर से उन तमाम शिक्षार्थियों को इनवाइट करता है कि आइए शिक्षार्थ आइए और सेवा के योग्य बनाकर हम आपको वापस उसी समाज में भेजते हैं और आप जाइए देश और समाज की सेवा करिए। लेकिन ये ओनस लाई करता है हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेबल और बहुत ही बड़ी शिक्षकों का। इसी क्रम में आई टेक द प्रिविलेज ऑफ शेयरिंग सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट। मैडम ने बीते कॉन्वोकेशंस में 32 टाइप 2 के क्वार्टर्स का लोकार्पण किया था जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए था। आज भी मैडम से निवेदन है कि वो गोमती अपार्टमेंट और सरयू अपार्टमेंट ये दो अपार्टमेंट का लोकार्पण मैडम, एक में 32 टाइप 3 के क्वार्टर्स हैं और 12 टाइप 2 के क्वार्टर्स हैं, उसका लोकार्पण मैडम से करने का निवेदन हम लोग कर रहे हैं। इसमें जब हमारे नॉन टीचिंग के लोग गए तो बहुत सारी ऐसी अनस्ट्रक्चर्ड और ऑक्यूपाई जगह हमारी खाली हुई और बहुत सारा जो सालों से मतलब सैकड़ों साल से हमारे पास ऐसी जगह थी जहां कभी किसी ज़माने में किसी को एक कमरा मिला फिर उसने बगल में एक बना लिया फिर टॉयलेट बना लिया और ऐसी तमाम जगहें ऑक्यूपाई कर ली। उन सारे लोगों को समुचित रूप से समायोजित किया गया, वो जगह खाली कराई गई और आज की स्थिति में हमारे पास दो ऐसी जगह हम लोग बड़ी आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिसमें एक मुझे लगता है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हम लोग एक गेस्ट हाउस, एक बड़ा विश्वविद्यालय के गौरव के अनुरूप एक गेस्ट हाउस और उसके ठीक सामने जो जगह खाली कराई है उसमें वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, ये हम लोग बहुत जल्दी उसमें प्लान कर रहे हैं। इधर हम लोगों ने करीब 250 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट किए और बहुत सारी महिलाओं ने हमको ज्वाइन किया, उसमें बहुत सी महिलाएं सिंगल भी हैं तो उनके लिए ये एक बड़ा छोटे वन बेडरूम अपार्टमेंट जिसमें फॉरेन से भी और बाहर के इंस्टीट्यूशन से भी जो टीचर्स हमारे आते हैं
कोई 3 महीने के लिए आ रहा है, कोई 6 महीने के लिए आ रहा है, कोई 1 साल के लिए आ रहा है, उनको भी हम अलॉट कर सकें ताकि ये सारे लोगों को बाहर दुश्वारियाँ न झेलनी पड़े। अभी आधारभूत संरचना के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में और कई कार्य हुए। जैसे हमारे पूरी यूनिवर्सिटी में हमारे 1 जिले से 5 जिले की यूनिवर्सिटी हो गई, सो एग्जामिनेशन का काम काफ़ी स्प्रेड हो गया। 6 अलग अलग बिल्डिंग में एग्जाम के काम होते थे, जो ना तो सुरक्षा के लिहाज से ठीक था ना सुविधा के लिहाज से, और अत्यंत परेशानी का एक कारक बनता था। एक जगह आइडेंटिफाई की गई जो 2 टीचर्स का एक जॉइंट क्वार्टर था, वो बहुत समय से डेजर्टेड पड़ा हुआ था, उसको जगह को आइडेंटिफाई करके अब आज उसमें हम एक बड़ा एग्जामिनेशन की बिल्डिंग बना रहे हैं, जिससे ये जो 6 अलग अलग जगहों पे हमारे एग्जामिनेशन का कार्य है जो ये उस एक बिल्डिंग में समायोजित हो जाएगा, और इससे हम जो विश्वविद्यालय का सतत विस्तार और विकास हो रहा है अकेडमिकली, उसके लिए हम जगह बना पाएंगे। तो इस तरह का बहुत सारा स्पेस यूटिलाइजेशन के दृष्टिगत, जैसे इसके ठीक बगल में हम लोग कार्यक्रम के बाद मैडम को रिक्वेस्ट करेंगे चाय के लिए, तो हम जहाँ ले जाएंगे वहाँ एक कमरे में इतने वर्षों से ओरिएंटल अरेबिक और पर्शियन विवाद चल रहा है, ना शिक्षक के बैठने की जगह है, ना स्टूडेंट के बैठने की जगह है, ना क्लासरूम है, लेकिन नामालूम कैसे वो सैकड़ों वर्षों से चल रहा था, और वो जब ये यूनिवर्सिटी बनी है उसके पहले से चल रहा था, बिकॉज वो इनिशियल कैनिंग कॉलेज का पार्ट भी हुआ करता था। उसको एक अलग स्थान देकर वो इस ऑडिटोरियम का पार्ट बना। आज की तारीख में हमारा रिफर्बिश्ड मालविया हॉल है, उसके बगल में अवस्थी हॉल है, दोनों को उसके बगल में ग्रीन रूम भी एक अच्छा बन गया, अभी ये एक एपिसेंट हॉल बन गया। तो इस तरह से आधारभूत संरचना के दृष्टिगत बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हम लोग स्पेस, क्योंकि जगह तो उतनी ही है, इस जगह को निकालकर विश्वविद्यालय के योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन अप्रूव हो चुका है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए भी जगह चाहिए, बिकॉज उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऐसी जगहों को जब हम एग्जामिनेशन की जो जगह हमारी थी इनको एग्जामिनेशन की बिल्डिंग में शिफ्ट करके हम बहुत जल्दी इसको शुरू करने जा रहे हैं। एक विषय में महामहिम के विशेष संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि लगभग 150 करोड़ रुपए का हम लोगों ने मैडम काम किया बीते 4 वर्षों में, और एक भी प्रोजेक्ट पे कॉस्ट ओवररन नहीं है। एक सिंगल प्रोजेक्ट में जितना बजट ईयर मांग था किसी भी केस में 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं हुआ। 2 प्रोजेक्ट पे हमने ऐसा किया कि हमने पैसे बचाए, और जब हमने उनसे असेसमेंट करके कहा कि आपने, आपसे हमारा एग्रीमेंट 100 रुपये का था और उसमें आपका खर्चा तो 95 रुपये हुआ है, तो पैसे तो वो देना नहीं हमको, तो हमने एक केस में उनसे लिफ्ट ली है और एक केस में जनरेटर लिया है कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें करके विश्वविद्यालय को स्ट्रेंथन, इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेंथन करने की कोशिश हो रही है। बिजली के कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ा कार्य हुआ, और इस समय मुझे लगता है अगले 1 हफ्ते के अंदर हमारी सारी HT लाइट्स, हाई टेंशन लाइट्स, सब ऊपर की वायर खत्म हो जाएगी, और एक 1000 KVA का सब कॉम्पैक्ट सबस्टेशन हमारा कैंपस में हो जाएगा। बिकॉज इससे हमको बड़ा नुकसान यह होता था कि हमारा जितनी कैपेसिटी थी बिजली की उससे ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंपस बढ़ रहा है, एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, बिजली हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लिहाजा हमको पे ज़्यादा करना पड़ता है फाइन के साथ। तो अब हम अपना एक 1000 KVA का कॉम्पैक्ट सबस्टेशन यहाँ पे, और 500 KVA का और 1000 KVA का सोलर सिस्टम यहाँ पे, और 500 KVA का सोलर सिस्टम सेकेंड कैंपस में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है अगले 1 हफ्ते के अंदर वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। हम शासन से बिजली लेते हैं 9.82 रुपये, और ये सोलर सिस्टम के थ्रू हमारी जो बिजली कॉस्ट कर रही है वो 3.99 रुपये और 4.80 रुपये की कर रही है। इसमें भी एक मेजर कॉस्ट सेविंग है, और इसके पूरे इंस्टॉलेशन में हमारा 1 भी पैसा नहीं लगा। इसी तरह से सेकेंड कैंपस में मैंने मैडम को रिक्वेस्ट किया है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है मैडम, तब तक हमारा काम ज़्यादातर खत्म हो जाएगा, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे एक बार वहाँ के लिए। मैडम ने बहुत मोटिवेट किया कि सेकेंड कैंपस को उसको डेजर्टेड और रिजेक्टेड फील का इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए। तो आज की तारीख में वहाँ एक 10 फीट की ऊंची बाउंड्री, बिकॉज पिल्फरेजेस वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम थे, बगल में रेलवे लाइन है, वहाँ पर बहुत सारे इन ऐसे तत्व हैं जो कैंपस में घुसते हैं और उसमें दिक्कत पैदा करते हैं, वो एक 10 फीट की बाउंड्री, और इसके बाद आगे और पीछे 2 गेट
जो किसी भी हाल में इस गेट से कमतर नहीं है, वैसे गेट भी वहाँ कार्य लगभग समाप्त पर आए हैं। इसके अलावा ऑडिटोरियम इतने वर्षों से नहीं था, वहाँ ऑडिटोरियम हो गया। फार्मेसी की बिल्डिंग, इंजीनियरिंग की बिल्डिंग, एक नया गर्ल्स हॉस्टल बना है, और बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि मैडम कभी समय दें, वहाँ पे मड थेरेपी, शिरोधारा, इस तरह के नेचुरोपैथी के हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस हो गया है, जो मुझे लगता है बहुत जल्दी इस महीने के अंत में हम उसको भी इस्टेब्लिश कर देंगे। तो एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जिस तरह की आकांक्षा और दृष्टि मैडम रखती हैं कि शिक्षण संस्थाओं की होनी चाहिए, उसके अनुरूप अब लगातार प्रयास करते रहें। कमियां हम सबको हैं, हमको आप बताते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम इस मार्ग पर चलते रहें। आपने समय दिया मैडम, और हम सबको उत्साहित करने के लिए आप यहाँ स्वयं आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार मैडम। थैंक यू सर। सर, अपने माननीय राज्यपाल जी की प्रेरणा से लखनऊ विश्वविद्यालय